छोटे बाबू छोटे बाबू, मोदी जी ने महंगाई कम कर दी। सर आप मजाक कर रहे हैं। अब ये ले, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है, वो तो हमेशा मजाक करते हैं। सही पकड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, इसी को देख लीजिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ई बतवा को सुन के अनभक्त मंडली के लोग तो गदगद हो गए होंगे। भिक्षा दे दो, मैं गरीब हूँ। भिक्षा दे दो, मैं गरीब हूँ। समझ रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये क्या है। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। हो गया यार, समझ में नहीं आता है, कभी 40 बोलते हैं, कभी 35। शायद इसी वजह से देश में एक से बढ़ के एक मुसीबत आ रहा है। मैं नहीं मानता। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। तो भैया ऐसा है ना कि जी गोदी समूह के चैनल जे हिंदुस्तान जो दिन रात अपने आकाओं का चाटते रहता था, उसे पता नहीं कौन से गरीब की आ लगी, वो तो सीधे बंद हो गया। देखिए अफसोस की बात तो है, क्योंकि उसमें 300 लोग काम करते थे जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, तो अब करेंगे क्या। तो ये तुम्हारा समस्या है। हाँ भाई हाँ। अक्षय क्या कहेंगे, पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए पकौड़े बेचता है तो उसको रोजगार का हिस्सा माना जाए। बिल्कुल बात सही है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो फिर ठीक है, उन 300 लोगों को पकौड़े बेचने के काम में लगा दो। लेकिन जी हिंदुस्तान के इस तरह अचानक बंद होने पर लोगों ने जम के प्रतिक्रियाएं दिए हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो कपिल जी गजब का सुझाव दिए हैं, लिखते हैं अब ये 300 लोग बेरोजगार हो गए तो अब इन्हें अग्निवीर में जाना चाहिए, क्योंकि ये सब अग्निवीर को बहुत अच्छा बता रहे थे। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो शर्मा जी लिखते हैं भगवान के घर दे रहा है अंधेर नहीं, सत्य की एक न एक दिन जीत होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखकर यूजर लिखता है मुझे उम्मीद है कि आज तक रिपब्लिक एबीपी जैसे और चैनलों के साथ होने वाला है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय।